और वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कहा है कि इश्तिहारी बेटे और बेटी श्योरिटी बॉन्ड देने को तैयार नहीं है। सारे भगौड़े नवाज शरीफ को इनकी लूटी हुई दौलत के पास ले जाना चाहते हैं। कुत्ता मार मुहिम पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मुहिम में सूबाई हुकूमत की मदद के लिए तैयार है। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कराची में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारे भगोड़े साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ उनकी लूटी दौलत मौजूद है। किसी को एहसास नहीं, किसी का एहसास है तो एक मुजरिम को मुल्क से फरार कराने का है। नवाज शरीफ के बच्चे अगर इंडेमनिटी बॉन्ड नहीं देते तो उनका हाल भी वही होगा जो आम मुजरिमों का होता है। अस्पताल में कुत्ते के काटने से जेर इलाज बच्चे के मामले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुत्ते के काटने से बच्चे की हालत तश्वीशनाक है, वो इस कर्व से गुजर रहा है जिसे कोई देख नहीं सकता। बच्चे की मदद के लिए सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया। वफाक ने 1.5 लाख रेबीज की वैक्सीन बनाई जिसमें से सिंध हुकूमत ने 2500 खरीदी है। कुत्ता मार मुहिम सूबाई हुकूमत के दायरा अख्तियार में है। हम मुहिम में सूबाई हुकूमत की मदद के लिए तैयार हैं। हुकूमत अना परस्ती को साइड पर रखकर अवाम का एहसास करे।